हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी. दिस इज़ मी शेली. एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के बारे में जो कि रीसेंट में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने में मिल रहा होगा और आजकल काफ़ी जो मॉम्स हैं वो उसको प्रैक्टिस कर रही हैं, विच इज़ बेबी लेड वीनिंग. तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि बेबी लेड वीनिंग क्या होता है, क्या उसका सही तरीका है करने का, क्या राइट एज है और उसके क्या करने से क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये टेक्निक आपके बच्चे की सॉलिड की जर्नी में हेल्पफुल होगी या नहीं, क्या आपके लिए राइट फिट है. तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिए. इसके अलावा नीचे का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस हम पोस्ट करें उनके बारे में आपको पता लगता रहे. और अगर आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर देंगे तो आपको उन नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आता रहेगा. और इस चैनल पे हम यूजुअली पेरेंटिंग, मदर केयर, बेबी केयर, इन साइड से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं. तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये वर्ड है बेबी लेड वीनिंग, इसका मतलब क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है. तो देखिए, अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें बेबी लेड और वीनिंग दो पार्ट में, तो वीनिंग इज समथिंग जब आप बच्चे का ट्रांजिशन करते हैं मिल्क से उसके सॉलिड फूड की जर्नी पे, दैट इज कॉल्ड वीनिंग. और अगर आप इस पूरे प्रोसेस को बच्चे के हिसाब से या बच्चे को ही पूरा लीड करने देते हैं, मीन्स कि आप उसको ऐसे फिंगर फूड ऑफर करते हैं जैसे कि स्टीम्ड वेजिटेबल स्टिक्स, ऐसे कुछ फ्रूट्स जो बच्चा खुद से खा सकता है इवन एट 6 मंथ ऑफ एज, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेबी के अकॉर्डिंग चलता है क्योंकि बच्चा अपने आप को खुद फीड कर रहा है. इसलिए इस जो सॉलिड की जर्नी है, बच्चे की जो ट्रांजिशन है मिल्क से सॉलिड फूड पे, जिसमें बच्चा अपने आप से पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद से अपना खाना खा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेबी लेड वीनिंग. नाउ समझते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ बेबी लेड वीनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चे की सॉलिड फूड की जर्नी में होता है वो यहाँ पर भी है, विच इज आप तभी इस प्रोसेस को स्टार्ट करिए जब आपको लगता है कि आपका बच्चा रेडी है. बच्चे सॉलिड फूड की जो जर्नी होती है जनरली 6 मंथ्स में स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे साइंस भी बच्चे देते हैं जिससे आपको पता लगता है कि दे आर रेडी फॉर देयर सॉलिड फूड. उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और इसके अलावा ऊपर पिन भी कर दूंगी ताकि आपको ईजी रहे. तो उन साइन को देख के आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा रेडी है सॉलिड की जर्नी स्टार्ट करने के लिए. नाउ सेकेंड चीज आती है राइट इक्विपमेंट. राइट का मतलब ये है कि जब ये प्रोसेस क्योंकि काफी मेसी होता है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरीके से इसको प्लान कीजिए कि आपका पूरा घर मेसी ना हो जाए. तो सबसे बेसिक और बेयर मिनिमम जो चीज होती है जो बेबी लेड वीनिंग के लिए आपको चाहिए, दैट इज बिब. प्रिफरेबली जो वाटरप्रूफ बिब होती है वो बेटर रहती है ताकि बच्चे जब भी कुछ अपना खाना खाएं उनके कपड़े गंदे ना हो, अगर वो अपने ऊपर कुछ स्पिल कर रहे हैं तो उनके कपड़े गीले ना हो. तो बिब जो है वो एक बेसिक सी चीज है जो आपको चाहिए होती है. सेकेंड और जो काफी हेल्पफुल रहती है दैट इज हाई चेयर, क्योंकि उसमें आप बच्चे को टाई करके रख सकते हैं, बांध के रख सकते हैं, बच्चा एक ही जगह पे रहता है. हाई चेयर की ट्रे को आप इजिली क्लीन कर सकते हैं. इस तरीके से हाई चेयर काफी हेल्पफुल रहती है बेबी लेड वीनिंग को सक्सेसफुल बनाने में. इसके अलावा जहां पे भी आप बच्चे को जब भी खाना खिलाएंगे तो स्टार्टिंग में तो हाई चेयर की ट्रे आप यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर या आगे आके स्पून बच्चे को होल्ड कराएंगे तो उसके लिए आपको बोल्स, प्लेट्स या अगर आप जो आपका हाई चेयर का ट्रे है उसको यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप अपनी जो भी प्लेट्स बच्चे के लिए यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो स्टील की या ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो अगर बच्चा फेंक दे या गिरा दे वो टूटे ना. नाउ बात करते हैं क्या चीजें आप बच्चे को खाने के लिए ऑफर कर सकते हैं और उनका किस टाइप का टेक्सचर या साइज होना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बच्चे को उसके हाथ से खाने के लिए दे रहे हैं तो जो भी बच्चे को आप आइटम दे रहे हैं उसका साइज ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए जैसे कि पूरा का पूरा बनाना या पूरा का पूरा पराठा, और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए जैसे मटर के दाने. ये दोनों ही चीजें बच्चों के लिए डेंजरस हैं. बहुत छोटा होगा तो बच्चा उसको अपने नाक में या अपने पूरा ऐसे ही डाल सकता है, चोकिंग कर सकता है. बहुत बड़ा होगा तो बच्चे के लिए होल्ड कर पाना डिफिकल्ट होगा. तो इसलिए आपको इसी फिंगर का जो साइज है इस साइज का फूड आप बच्चे को दे सकते हैं. ये बच्चे को पकड़ने में भी इजी रहता है क्योंकि उनके छोटे छोटे हाथों के लिए ये साइज एकदम परफेक्ट है. आई थिंक इतना इतना ही थिक और इतना ही लेंथ बच्चों के लिए परफेक्ट रहती है. नाउ बात करते हैं फूड के टेक्सचर की. तो बेबी लेड वीनिंग के लिए आपको जो भी प्यूरीड फूड होता है वो आप नहीं दे सकते हैं.
आपको ऐसा ही फूड बच्चे को देना है जो बच्चे अपने हाथ में पकड़ के खा सकते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन फूड रहता है वो रहता है वेजिटेबल स्टिक है आपका, स्टीम्ड वेजिटेबल स्टिक डेफिनेटली स्टीम्ड होनी चाहिए आपका, हाफ कट बनाना है, इसी तरीके के फूड जो इसी साइज के और इसी सॉफ्टनेस के होते हैं वो बच्चों के लिए सुटेबल रहते हैं। अब क्योंकि बच्चा इतना छोटा है कि उसके टीथ नहीं है, या टीथ है भी तो बहुत छोटे छोटे से है अभी, दे आर नॉट इनफ टू च्यू द फूड, तो वो अपने गम ही बेसिकली यूज करने वाले हैं, तो आपका फूड इतना सॉफ्ट होना चाहिए जो कि बच्चा इजीली अपने गम से कट कर पाए और च्यू कर पाए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है इनिशियल 2-3 मंथ्स में, क्योंकि बच्चे को खाना नहीं आता है, वो जितना खाना खाते हैं उससे ज्यादा वेस्ट करते हैं, हो सकता है कि उनका पेट भर भी नहीं रहा है, तो जो मिल्क की फ्रीक्वेंसी है, जो अब तक बच्चा जितना दूध पीता आया था, आपको मिल्क फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी है। जब भी बच्चा मिल्क डिमांड करता है आपको उसको मिल्क ऑफर जरूर करना है। बेबी लेड वीनिंग में डेफिनेटली ऑप्शन उतने ज्यादा नहीं होते हैं जितने आपकी जो कन्वेंशनल वीनिंग होती है उसमें होते हैं, बट आप जरूर ये ट्राई कीजिए कि आप बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर कीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि आप डेली बच्चे को गाजर ही दे रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चा उसे बोर हो जाएगा, वो पसंद नहीं आएगा। तो आप ये ट्राई कीजिए कि जितने ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितना ज्यादा वैरायटी आप बच्चे को दे सकते हैं उतनी ज्यादा वैरायटी दीजिए, बट टेक्सचर शुड बी सॉफ्ट। इसके अलावा जो बेबी लेड वीनिंग का एक थंब रूल है वो आपको जरूर फॉलो करना है, वो ये होता है कि लेट द चाइल्ड डिसाइड हाउ मच दे वांट टू ईट। इसका मतलब आपको बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है कि उनको इतना खाना खाना ही चाहिए या उनको इतना खाना खाना ही खाना है। बच्चे को जितना मन कर रहा है उतना खाना वो खा रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्टार्टिंग के 2-3 बार में पता लग जाएगा कि बच्चा कितना खाना खाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम से उससे थोड़ा ज्यादा ही खाना दीजिए, क्योंकि बच्चे खाना अल्टीमेटली थोड़ा वेस्ट भी करेंगे। तो ये इंश्योर कीजिए कि बच्चा जितना खाना खाना चाहता है उसके बाद भी उसके पास थोड़ा खाना बचा रहे, ताकि आप ये इंश्योर कर पाए कि हाँ बच्चे ने खुद से खाना खाना बंद कर दिया है, रादर देन कि खाना खत्म हो गया था इसलिए उसने खाना बंद कर दिया है। ये तो हो गई खाने से रिलेटेड बात। अब जब भी आप बेबी लेड वीनिंग प्रैक्टिस करते हैं आपको 2 चीजों का और ख्याल रखना है, क्योंकि बच्चा खुद से खाना खा रहा है तो कफिंग या गैगिंग, जो थोड़ा सा एक चोकिंग होती है, हल्की हल्की चोकिंग, वो नॉर्मल होती है, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है कितना खाना उसको अंदर डालना है कितना नहीं डालना है, इसके अलावा कैसे उसको गल्प करना है, क्योंकि अभी तक उसको आदत नहीं थी, वो तो सिर्फ मिल्क ही पीता था। तो ये हल्की फुल्की चोकिंग कफिंग गैगिंग ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा वो सीख जाएगा उसे खाना कैसे खाना है। सेकेंड ये है कि जब भी आप बच्चे को स्पेसिफिकली 1 साल से छोटे बच्चे को खाना ऑफर कर रहे हैं खुद से खाने के लिए, आपको उनको अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यू नेवर नो कि बच्चा खाने के साथ क्या कर रहा है, या उसने पूरा खाना एक बार में मुंह में डाल लिया। तो इसलिए बच्चे को अनअटेंडेड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आपको उसका ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा प्रिकॉशनरी आप एक ये चीज भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करते हैं, तो उनकी हाई चेयर के नीचे थोड़ा न्यूज़पेपर या कोई भी एक शीट बिछा सकते हैं, ताकि बच्चे जो भी खाना गिराए वो उस शीट पे या न्यूज़पेपर पे कलेक्ट हो जाए और आपको क्लीनिंग करना इजी रहे। तो दिस इज जस्ट एन एडवाइस, ये ऑप्शनल है टोटली। इसके अलावा आई थिंक मैं एक चीज मेंशन करना भूल गई कि बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट करने की करेक्ट एज क्या है। तो बिल्कुल सेम जो सॉलिड फूड स्टार्ट करने की होती है 6 मंथ एंड अबव। आप 6 मंथ के बाद जब भी आपको लगता है कि आपका बच्चा रेडी है, चीजें होल्ड करने लग गया है अच्छे तरीके से, चीजों को मुंह में डालने लग गया है रिलेटेड टू जो भी खाने की चीजें होती हैं, तो आप बच्चे को बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ समझते हैं कि अगर आप बेबी लेड वीनिंग का जो अप्रोच है वो ऑप्ट करते हैं तो क्या प्रॉज और क्या कॉन्स होने वाले हैं उसके। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉज की। तो क्योंकि बच्चा अपने हाथ से खाना खाता है इस पूरी प्रैक्टिस में, तो ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर को एक्सपीरियंस करता है अपने हाथ से, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स को क्या ज्यादा पसंद आ रहा है क्या कम पसंद आ रहा है वो एक्सपीरियंस करता है। तो इस तरीके से बच्चा उन टेक्सचर और फ्लेवर को खुद से एक्सप्लोर करता है, विच इज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म। सेकेंड, और जो आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल रहता है स्पेसिफिकली वर्किंग मॉम्स के लिए, कि बच्चा खुद से खाना खाना सीखता है, उनको प्रैक्टिस होती है कि वो हमेशा खुद से खाना खाएं, इसलिए जो मेथड है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है अदर कंट्रीज में। स्कूल में जब बच्चा जाता है अल्टीमेटली तब उसे खुद से ही खाना खाना होता है, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बच्चे को स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करती है खुद से खाना खाने के लिए। इसके अलावा एक ये भी फायदा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा खुद से डिसाइड करता है कि उसे कितना खाना खाना है, कोई फोर्स फीडिंग नहीं होती है, बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है अपनी भूख को लेकर, एपेटाइट को लेकर, क्योंकि उनके पास एक खुद का एक कंट्रोल रहता है, जो कि ऑब्वियसली छोटे बच्चों को इतना आइडिया नहीं रहता है, बट जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है
ये चीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे जो चीज़ उनको ज़्यादा टेस्टी लगती है उसकी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसा जंक फूड की ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम होती है, क्योंकि बच्चा डे वन से खुद ही डिसाइड कर रहा है कि उसे कितना खाना खाना है। नेक्स्ट जो फायदा है इस अप्रोच का वो है कि बच्चे का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो काफी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि बच्चा खाने को देखता है, खाने को आइडेंटिफाई करता है, पिक करता है, मुंह में डालता है, तो यहाँ पे बच्चा अपना हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज कर रहा है, अपने ओरल और फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव कर रहा है, तो इस तरीके से ओवरऑल बच्चे का जो एक फाइन मोटर स्किल्स का जो डेवलपमेंट है, उसकी जो ग्रिप है, फाइन ग्रिप है, वो इम्प्रूव होती है। नाउ ये तो हमने समझ लिया कि इस टेक्निक के क्या फायदे हैं, बट डेफिनेटली हर एक चीज के प्लस माइनस होते हैं, तो समझते हैं कि बेबी लेड वीनिंग के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या कॉन्स होते हैं अगर आप उसे ऑप्ट करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक चीज तो ये है कि यहाँ पे ये जज करना बहुत डिफिकल्ट है, मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है कि बच्चे ने कितना खाना खाया, क्योंकि बच्चा खाता कम है वेस्ट ज्यादा करता है, जिसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है पेरेंट्स को कि बच्चा कितना खाना एक्चुअल में खा रहा है। रिलेटेड टू दैट, क्योंकि बच्चा बहुत खाना वेस्ट कर रहा है, तो फूड का वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा होता है, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। एंड देन क्योंकि बच्चा फूड वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसी होती है पूरी एक्टिविटी, एवरी टाइम जब बच्चा खाना फिनिश करता है, अपनी मील टाइम फिनिश करता है, बहुत ही ज्यादा मैस वो क्रिएट कर चुका होता है, बच्चा खुद बहुत मैसी हो चुका होता है। इसके अलावा ये काफी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि डेफिनेटली बच्चा अपनी पेस से लर्न कर रहा है और उसको टाइम लगता है ये लर्न करने में, ये समझने में कि उसे क्या पसंद है, उसे कैसे खाना है, तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये हो जाता है। एज आई मेंशन अर्लियर, इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स में बच्चे का जो मेजर न्यूट्रिशन होता है वो अभी भी मिल्क पे ही डिपेंडेंट है, रादर देन द ट्रेडिशनल वीनिंग। ट्रेडिशनल वीनिंग में आपको पता होता है कि बच्चा खाना खा रहा है एक्चुअल में, जिसकी वजह से उसका दूध का इंटेक थोड़ा कम हो जाता है, बट बेबी लेड वीनिंग में फॉर इनिशियल कपल ऑफ मंथ बच्चा अभी भी मेजरली दूध पे ही डिपेंड रहता है, उसका पेट भी मेजरली दूध से भरता है, उसका न्यूट्रिशन भी मेजरली दूध से ही उसको मिलता है। इसके अलावा कभी कभी जैसे मैंने मेंशन किया कि बच्चे को चोकिंग और गैगिंग भी हो जाती है, एंड कभी कभी बच्चे को वॉमिटिंग भी हो जाती है कि उन्होंने कुछ ऐसा गल्प कर लिया, बड़ा पीस गल्प कर लिया, जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये पूरी जो एक्टिविटी होती है ऑल इन ऑल स्लो होती है डेफिनेटली, एंड उसके साथ साथ मैसी भी होती है। तो ये तो हो गए प्रोज एंड कॉन्स, एंड क्विकली मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या ऑप्ट किया था। तो आई डेफिनेटली वॉन्टेड कि मैं ये प्रोसेस स्टार्ट करूँ और मैं ये प्रोसेस ऑप्ट करूँ दर्श के साथ, जो कि मैंने किया भी था, बट वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस, क्योंकि एक तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस था, एंड ड्यू टू माई ऑफिस मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि मैं दर्श को इतना टाइम दूँ कि वो खाना खाए अपने आप से, और पूरा वो जो मेस क्रिएट करता था उसको क्लीन करना होता था। तो मैंने इनिशियली कुछ दिन ट्राई किया, बट डेफिनेटली ये बहुत ही डिफिकल्ट था पूरा जो एक्सरसाइज थी बेबी लेड वीनिंग की। अगर मैं दर्श को प्यूरीड फूड खिलाती थी या सेमी सॉलिड कुछ भी खिलाती थी, तो वो बहुत जल्दी, पूरा प्रोसेस कंपैरेटिवली क्विक था, क्लीन था, उसमें मेरे पास ऑप्शन भी ज्यादा थे, उसमें मैं मल्टीपल फूड्स को मिक्स करके दर्श को दे सकती थी, डेफिनेटली जो एज अप्रोप्रिएट फूड होते थे उनको मैं उसको दे सकती थी, तो जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस हमने ऑफ नहीं किया। इसके अलावा एक मेजर रीजन ये भी था कि दर्श जब तक 2 साल का था वो रेयरली ही कुछ मुंह में डालता था, वो कुछ मुंह में डालता ही नहीं था, चाहे वो खाने का हो चाहे वो बिना खाने का हो, कोई भी टॉय हो, विच हेल्प अस अ लॉट कि ठीक है उसको वो कुछ भी गंदा संदा मुंह में नहीं डालता था, अपने टॉयज भी मुंह में डालता था, थोड़ा सा एक वहां पर रिलैक्स रहता था, लेकिन वो एक्चुअल में खाने की चीजें भी मुंह में नहीं डालता था, जिसकी वजह से पूरी एक्टिविटी हम ऑप्ट नहीं कर पाए। पर डेफिनेटली अगर ये एक्टिविटी आप ऑप्ट करते हैं तो आपको आगे जाके काफी हेल्प इस चीज में रहती है कि आपको बच्चे को खुद से खाना नहीं खिलाना पड़ता है। आई होप कि सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि ये एक्टिविटी आपको ऑप्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और कैसे आप इस पूरी एक्टिविटी को अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर कीजिए ऐसे पेरेंट्स के साथ, ऐसी मदर्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।